हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार इस चैनल पर ला रहे हैं बीएड से संबंधित क्वेश्चन। साथियों, MMHAPU यानी कि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पारसियन यूनिवर्सिटी से, जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो बीएड में एडमिशन लिए हुए हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। क्योंकि अभी हम लाए हुए हैं 2020-22 का क्वेश्चन, 2020-22 का क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस जो भी यूनिवर्सिटी के तरफ से पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथियों साथियों, ये पेपर नंबर थर्ड है, क्योंकि आप इसके कोडिंग से भी समझ सकते हैं। यहाँ 103 है, क्योंकि ये थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर का नाम होता है लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग एंड टीचिंग का जो ये पेपर है, इसमें से सबसे पहले हम लोग समझते हैं। वैसे सभी पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटल पेपर 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का थ्योरी है। टोटल ये पेपर लर्निंग एंड टीचिंग की 100 मार्क्स की होती है। 20 मार्क्स आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको थ्योरी या सेंटर पे 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखना है। तो कुल मिलाकर इंस्ट्रक्शन यही दिया हुआ है इसमें, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपने अपने शब्दों में आंसर दीजिए, अपने से सोच समझ कर लिखिए। और सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, मतलब कि टोटल हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो 16 × 5 यानी कि 80 मार्क्स का आपका हो गया। और उसके बाद लिखा है कि सभी यूनिट, यानी कि टोटल ये 5 यूनिट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चंस का आपको जवाब देते हुए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं कि यूनिट 1 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनिट 1 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा है गया है, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में बताइए। और दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस, अधिकम एक प्रक्रिया है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। उसके बाद यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, नंबर 3 और नंबर 4 करके, इस क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है आपको। तो कुल मिलाकर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड में पूछा हुआ है, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, बोल रहा है कि लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। हाउ विल यू मोटिवेट चिल्ड्रेन, आप क्लासरूम में किसी भी चिल्ड्रेन को कैसे मोटिवेट करेंगे। और नंबर 4 बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बताइए, क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और यूनिट 3 का बात करें, ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ टीचिंग बिहेवियर ऑफ टीचर इन क्लासरूम टीचर, बोल रहे कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक के शिक्षण व्यवहार के विश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करिए। और नंबर 6 है, व्हाट इज टीचिंग, यानी टीचिंग क्या है, और हाउ टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि जो टीचिंग का प्रोसेस होना चाहिए प्लानिंग के साथ होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, इसको आपको बताना है। और यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, 7 और 8। इसमें पूछा हुआ है, एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग ऑन इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि निर्देशात्मक, उपागम और रणनीति पर निर्णय लेने का व्याख्या बताइए, कि आप किस प्रकार निर्णय लेंगे। और नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपेयरिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप निर्देशन के लिए तैयारी किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में बताइए। और हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेस, आप सीखने की उपलब्धता को किस प्रकार चयन करेंगे और किस प्रकार पहचानेंगे। उसी प्रकार यूनिट 5 का क्वेश्चन है, इसमें भी 9 और 10 है, 9 10 में से किसी एक का जवाब देना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, बोल रहे हैं कि पाठ परिचय से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द कंपोनेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्किल, इसके लिए कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कशन करिए। नंबर 10 है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिकर्मित अनुदेश के सिद्धांत क्या हैं, इसको बताइए। तो साथियों, ये थे लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि पेपर 103, यानी कि थर्ड पेपर के ये कुछ बोर्ड सॉरी यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ पूछे गए क्वेश्चंस। और आप साथियों, आप इन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़कर जाइए और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।